बड़े सुंदर विद्वाना ने ऐसे महापुरुष की माता उत्ते अपनी भावना अपना विश्वास अपनी अकीद तो उस माता को भेंट की है। पंडित गुलाब सिंह जी लिखते हैं, धन भई तिनकी जननी करतारथता जग बेगन गाई। कहते उन्होंने माँ धनता के योग है, पूजनीक है, धन का एक अर्थ होंगे पूजनीक, पूजा जाने वाला, जिसकी पूजा हमेशा होंगी रहे उसनू धन कहा जाता है। बाबा जी के माता पिता की रेंदे संसार तक सदा पूजा होगी, सदा सम्मान होगा, सदा सत्कार होगा, नाल नाल उन्होंने भी पूजा जाना निश्चित है। जिन्होंने ऐसे महापुरुख को अपने कुल में अपने घर में अपने परिवार में जन्म दिया। धन भई तिनकी जननी करतारथता जग बेगन गाई। कहते मां धनता के योग है, उस मां की कुख करतारथ का अर्थ होंगे सफली हो गई, जिसकी कुख में ऐसा महापुरुख आके पैदा होया, जिसकी गोद में ऐसा महापुरुख खेडिया, जिस मां ने ऐसे महापुरुख को अपने प्यार दियां लोरियां दित्तियां, गुरबाणी दियां लोरियां दित्तियां, सिखी संगत दियां लोरियां दित्तियां। और धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की अनंत भगती की लोरी दित्ती, क्योंकि इस परिवार के विच सात संगत जी पुत्र पैदा नहीं होंदा सी। बाबा जी के माता पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन चरणां श्री आनंदपुर साहिब गए, लंबा समा श्री आनंदपुर साहिब विखे संगतां की सेवा की, डोलियां की सेवा की, लंगरां की सेवा की। एक दिन दीवान सदिया होया है, कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों के उत्ते जाके नमस्कार की, प्रेम दे विच माता पिता के अखां दे विचों वैराग दे अथरुआं दा प्रवाह चल पिया अपने आप ही। सतगुरु की ऐसी करुणा भरी बेबल अवस्था नूं वेख के आप कलगीधर पातशाह जी पुछण लगे, भाई गुरमुखो की कारण है, क्यों अखां दे विच नीर वग रहा है? बाबा जी के पिता माता जी हाथ जोड़ के कह लगे, सच्चे पातशाह वेदना ऐसी है कि शब्दों में दस्या नहीं जा सकता, तुसी अंतरगामी हो, तुहानू घट घट के अंतर की जानत कहा जाता है, तुहाडे चरणों के विचों मान मंगो, मान मंगो, धन लक्ष्मी सुत गई है, तुहाडे चरणों विचों जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, जो भी कोई दात मंगदा इत्थों कदे खाली नहीं गया अज तक, असी अखां नाल देखिया है, आप साडी वेदना नूं जाणदे हो, इन्ना भरोसा, इन्ना विश्वास, इन्नी श्रद्धा तकी देवो सतगुरां ने, तां उस समय सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने वरदान दित्ते सन कि तुहाडे घर विच ऐसा महाबली सूरबीर योधा जन्म लएगा जो दुनिया के विच अनोखा पूरना पाएगा। ताई बाबा जी नूं अनोखे अमर शहीद कहा जाता है। उस जैसी कालना होर कोई नहीं कर सकेगा जैसा वो तुहाडा सुपुत्र संसार विच सेवा पर उपकार अते कुर्बानी करेगा। वचन किया कि जो सुरत संभाल लगे उदो साढ़े पास ही लैके आना, साढ़े खालसा पंथ की बहुत वही भारी सेवा उसके हथी होगी। ये सतगुरु जी के वरदान सानू श्री आनंदपुर साहिब जी की धरती तो बाबा जी ने माता पिता जी प्राप्त हुए, और उस वरदान के स्वरूप ही बाबा जी का जन्म इस घर के होया। वैसे सत संगत जी जिहड़ा जमण मरण का चक्कर है, यह साडा संसार के प्राणियों का हो सकता, ऐसे महापुरख जमण मरण की कैद तो उत्ते होंगे है,
गुरबाणी का फरमान है, जम्मन मरण ना तिन को दो हरलन लागे, दीर्घ से प्रवान होए हर कीर्तन जाके। और दो गुरबाणी दियां पंक्तियां हन ते इन बिन बाबा जी के जीवन उत्ते टुकदियां हन। जोगल जी प्रवान संत साहिबां नूं कलगी करताप साहिब जी नूं धन बाबा दीप सिंह जी उन्हां दी करनी उन्हां दी कालना और अठे पहर वाहगुरु के नाम विच भिजे रहते सन। महापुरख दमदमी टकसाल के चौथवें मुखी अमर शहीद संत ज्ञानी गुरगोबिंद सिंह जी खालसा पिंडरां वाले कथा दौरान बाबा जी का जदों नितनेम दस्या करदे सन, महापुरखां दा हिरदा गद गद प्रेम दे विच भर जांदा, कंठ रुक जांदा। इन्ना गुरु की बाणी के कीर्तन विच भिजी हुई आत्मा सन, इन्ना नाम के रस विच रंगे हुए सन। पंज बाणियां पंज ग्रंथी 110 जपजी साहिब जी का पाठ, इन्ना नितनेम धन बाबा दीप सिंह जी का रोजाना दर्श। सत संगत जी, पंज बाणियां का नितनेम करो, घट्टो घट घंटा लग जाता जे प्रेम नाल करिए। पूरे प्रेम विच मन नूं एकाग्र करके भिज के गुरबाणी के रस विच रस लेंदिया लेंदिया गुरबाणी का नितनेम करिए घट तो घट समा। वैसे ऐसे ऐसे गुरसिख महापुरख भी होए, एक दो एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाम जियो। दमदमी टकसाल के 11वें मुखी पंथ रत्न महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले एक पहर विच एक जपजी साहब का पाठ करिया करदे सन नितनेम तो बिना बिना। पाप तीन घंटे एक जपजी साहब के पाठ नूं अपने नितनेम तो अलावा भी लाउंदे सन रोज दे, इन्ना रस लै के गुरबाणी का पाठ करदे सन। और संत बाबा जरनैल सिंह जी की ऐसी अवस्था सी, उह 2.5 मिंट च भी जपजी साहब जी का पाठ कर दिंदे सन। सत संगत जी, गुरमुखां दी अवस्था हुंदी है, नाम जपण वालियां दी आत्मक अवस्था दी तरक्की हुंदी है। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहिब आए 25 पाठ सुखमनी साहब जी दे अपने नितनेम दे विच भी कर लिया करदे सन। धन बाबा गुरमुख सिंह जी, तुसीं सेवा पंथी संप्रदाय नाल बड़े प्रेम नाल जुड़े हुए हो। धन बाबा जीवन सिंह जी दे समय तो बंबे दीआं संगतां कार सेवा महाकार सेवा वाले महापुरखां नाल जुड़ियां होईआं हन, बड़ा प्रेम संगतां दे अंदर है। दोनों महापुरखों का इस धरती से मैं वड्डा सत्कार देखिया, एक धन बाबा जीवन सिंह जी का, एक धन महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां का, जिन्हां नूं अज भी बंबे की संगत नतमस्तक होंदी है उन्हां दी करनी नूं उन्हां दी कालना। क्यों बाबा जीवन सिंह जी इत्थे घर घर विच आके तुहानूं गुरु घर की सेवा नाल जोड़ के गए, और महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी ने तुहानूं गुरमत दे जीवन की दात गुरमत दे जीवन की लाग तुहाडे जीवन विच पैदा की। नहीं तो मुंबई दे विच साडे सिख वीर शराबा पी शराबा पींदे नहीं सन, शराब शराब दे विच नहाउंदे सन, नहाउंदे गलियां दे विच नशाई होके डिगे होया करदे सन। अज भी वह बजुर्ग साढ़े देखने सानू नजर आते हैं, पर जदों संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी आए घर घर में जाके शराब के नशे विच्चों मुंबई के निवासियों कढ के गुरसिखी नाल खंडे बाटे के अमृत नाल जोड़ के त्यार बुर त्यार गुरसिखी दे विच कर दिता सी। उन्हां महापुरखों का बड़ा भारी पर उपकार है, वो धन दे दिंदा इनू भी आपां परोपकार समझ लैंदे हां, कोई कारोबार दे दिंदा तुहानूं इनू भी आपां परोपकार समझदे हां, कोई किसी का भला करदा इह बहुत वड्डा परोपकार हुंदा। साध सुंदर जी, पर जिहड़ा किसी दे कीते परोपकार नूं भुल जाए उहनूं कौन उहनूं की कहा जांदा, उहनूं अकिरत कण कहा जांदा। अकिरत कण मनुख इस सृष्टि का सब तो वड्डा पापी मनिया जाता, कामी क्रोधी लोभी मोही हंकारी तो भी उत्ते जे कोई पापी है वह अकिरत कण व्यक्ति है।
महापुरखा ने की परोपकार किया, तो जीवन दान दिता, जीवन बढ़ा देना किसी का, ये बहुत बड़ा परोपकार होंदा। वो संगत विच्चों नशियां दे विच्चों जीवन कट के सत संगत नाल जोड़ देना, शुभ गुणा दे नाल जोड़ देना, मनुखा जीवन की कदर और कीमत का असली पथ प्रदर्शक बना देना। भाई प्राप्त मानुख देहरिया वो बिंद मिलन की है तेरी बढ़िया संगत जी, है मनुखा जीवन जेड़ा सानू मिलेगा ना, कि सौन वास्ते खान वास्ते पहन वास्ते दुनिया के केवल सुख भोगण लई नहीं मिलिया। जे अपने मन विच भुलेखा होए, ये जिहड़ा रोटी रोजगार आप साधन करते हैं तो किरत दे साधन है, ये तो अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं, फर्ज गुरसिख जरूर पूरे करना, अपने अपनी परवरिश अपने बच्चों की परवरिश करनी और दसा नौ की किरत विचों अपनी माया में धर्म अर्थ ला के सफली करना। असल तो मनुखा जीवन का जिहड़ा मनोरथ है मकसद है वो वाहिगुरु की प्राप्ति करनी है। पानी तो आयो राह रहन लगा कि तुख पकड़े सब मुकदी चली रहन, ए बंदे तू आया किस वास्ते है, बंदा होए बंदगी गह। बाबा दीप सिंह जी ने पता सी कि मेरा एक एक श्वास जेड़ा ना उसकी कीमत दुनिया की दौलत भी दे के चुकाई नहीं जा सकती। तुम वेखो तुहाडे शरीर नूं वाहिगुरु ने किन्ने सोहणे अंग लाए, अखां लाईआं, कन्न लाए, हथ लाए, पैर लाए हैं, पर जिन्हां दे शरीर दा अंग शरीर नाल कई वारी खराब हो जाए, वाध घाट हो जाए, उन्हां नूं पुछ के वेखो कि इन्हां अंगां दी की कीमत है। दुनिया दे विच वड्डे वड्डे तनाड अज भी बैठे जिहड़े सारी दुनिया के मुल्कों अपनी दौलत नाल खरीद सकते, पर एक श्वास नहीं खरीद सकते, एक श्वास मुल नहीं ले सकते। तो देखा दुनिया के विच भी अज तक किसी को एक श्वास मुल खरीदया मिल गया हो जीवन वास्ते, पर आप कदे सोचा भी श्वास श्वास किन्ने बेशकीमते हैं। 24,000 खर्च बंदे का आमद मूल ना थीवे, जिस बंदे नूं इतना घाटा सो बंदा कैसे जीवे। उत्तर बड़ा सोहना दिता विद्वाना ने, नाम जपण को देवा दीनी हर दर्शन को औखी, एक श्वास मोड़ जावे हथ ना आवे लखी। कहिंदे नाम जपण वास्ते देवा मिली है, जबान दित्ती है वाहिगुरु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, अकाल पुरख ने और अखां दित्तियां वाहिगुरु दे सतगुरु दे संगत दे दर्शन करन वास्ते। जिहड़ा एक एक अमोलक सुहास है, अमोलक वस्तु वो हुंदी है जिहड़ी किसा कोई भी मुल दे के प्राप्त ना हो सके, ना हीरियां दे वटे, ना धन दे वटे, ना किसी होर वस्तु दे वटे मिल सके। इस करके भाई अमोलक सुहास जिहड़े परमेश्वर ने दित्ते है इन्हां दी कोई कीमत नहीं है। सारी दौलत दे के भी एक श्वास मुल नहीं खरीदया जा सकता, और मेरे किस वास्ते है। सतगुरु नहीं उत्तर देंदे है गुरबाणी विच, सार सार सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चित, श्वास श्वास नाम जपना। जे श्वास श्वास नहीं जप सकते 24 घंटिया चो कुछ समा तो जरूर आपां नूं कढ़ना बनता। 2.5 घंटे तो भाई नितनेम दे विच सिमरन दे विच हर प्राणी नूं 2.5 घंटे नितनेम करन दा हुक्म है, सिमरन अभ्यास जाप करन दा गुरु दा हुक्म है। 10 वस्तु दे पाठ पावे, एक वस्तकार नूं दे खोट पवावे, एक पीना दे 10 पी हिरले तो मूढ़ा कहो कहां करे। इस करके दसवंत श्वासों का भी देना, दसवंत दसा मोहन की किरत विचों भी देना, धर्म की खातर धर्म के अर्थ। सो इस करके भाई श्वासों की कीमत नूं किसे विरले ने समझिया ते जाणिया, जिन्होंने एक एक श्वास व्यर्था नहीं जान दिता उन्हां चों सन धन बाबा दीप सिंह जी वर्गे महापुरख, जिन्होंने एक एक श्वास की कीमत नूं समझ के सेवा भी कीती और सिमरन भी कीता और कुर्बानी भी दित्ती। अखीरले समय में 80 साल की उम्र बुढ़ेपा बंदे तो मंजे तो नहीं उठाया जाता,
ਪਰਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਨਾਲ 18 ਸੇਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਤਲੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਈ ਘੁੰਮੋ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੰਡਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਕੋਪਰੇ ਲਵਾਏ, ਚਰਖਣੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਧੰਨ ਨਾਲ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਸਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰ ਕਿਤਾ ਜਗ ਬੇਦਨ ਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਐਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵੇਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਵੇਦ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੇਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਲ ਪਾਵਨ ਜਾਹੇ ਕਰੀ ਸਦਰੀ, ਜਗ ਧਨ ਪਏ ਜਿਹੇ ਮੀਤ ਸਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਦ ਕੰਜਨ ਜਾਸ ਪੁਨੀਤ ਧਰਿਆ, ਰਜ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਗ ਪਾਪ ਮਿਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਨ ਨਾਮ ਕਬਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਲ ਸਲੀਖੇ ਚਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਜ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਗ ਪਾਪ ਮਿਟਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੁਹਾ, ਨਾਨਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲੇ। ਅੱਜ ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਧੂੜੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਰ ਦਾਤ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਮਿਟ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਧੂੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 250-300 ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ,
पर अज भी उन्होंने स्थाना की उन्होंने महापुरुखों की चरण धूड़ी लोग मत्थे ला के अपने पाप मेट रहे। प्रतख है सारा कुछ, यह होंगी है गुरमुखों की चरण धूड़ी की शक्ति। और अखीर तो कहते हैं जो भव मंडल माहे भरे फिर एक अकागर राम सहाई, जिन्होंने संसार भोडल के आके भव मंडल संसार मंडल में आके एक एक खेन एक एक संकेत का समा अकागर मन वाहिगुरु की कीर्ति की भगती की बंदगी की ना, एक श्वास भी अपना नाम तो बिना अजाई नहीं जान दिता, उन्होंने ऐसी करनी होंगी है। और नाम का प्रताप इतों तक पंत गुलाब सिंह जी लिखते हैं कि जिंदा मन परमेश्वर की बंदगी विच एक सकेंट एक पल लई भी एकाग्र हो गया ना, उहदी भी इन्नी वड्डी महिमा है। तुसीं नितनेम करन वाले बाणी सुनन वाले पढ़न वाले बैठे हो, तुहाडा नित दा तजर्बा कि मन किन्ना औखा एकाग्र हुंदा किन्ना औखा मन जुड़दा, सारा नितनेम करके भी जे एक सकेंट लई मन नितनेम जुड़ जांदा ना, चौबी घंटे का भार सिर तो रह जाता गुरमुखा ने। एक जित ने एक छिन से आयो काल फास के बीच ना आयो, एक छिन भी एकाग्र हो जाए ना चौबी घंटे सिमरन करके मन नाम जुड़ जाए एक एक छिन वास्ते भी, तो चौबी घंटे की कीती कमाई सफली हो जाती है। पर छिन प्राप्त नहीं होता बहुत औखा, बड़े लंबे समय अभ्यास तो बाद एक छिन की एकाग्रता कितने अभ्यासियों नूं गुरमुखां नूं मिलती है प्राप्त होंगी है। जिस दिन एक छिन मिल गया ना एकाग्र हो गया जुड़ गया, उस दिन फिर दूजा छिन भी नाल जुड़ना शुरू हो जाना हौली हौली। फिर चौबी घंटे अठे पहर उन्होंने नाम विच एकाग्र रहिंदे आ जुड़े रहिंदे आ, शीश धड़ तों वखरा भी हो गया पर नाम विचों व्यक्ति ने टुटी। धन बाबा दीप सिंह साहब जी, धन गुरु नानक साहब जी दी पंक्तियां सफल कर विखाइया, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर सर तरी गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे सर दीजे कार ना कीजे। दुनिया कहती है कि धन नालों सिर वखरा हो जाए बंदे की मौत है, पर बाबा जी की सुरत नाम जुड़ी सी को राह नहीं दसन वाला सी इस बन्ने नूं जाओ। गुरद्वारा टाला साहब श्री हरिमंदर साहब तो 12-13 किलोमीटर दूर है, अज पुराने 6 मील बनते हैं, 6 मील का पंध उत्थों बाबा जी हरिमंदर साहब वालों अपना चेहरा करके खंडा चढ़ाते गए हैं डालमां दे विच ही। और सीधा शीश धन गुरु रामदास साहब जी के चरणों में हरिमंदर साहब जाके अपने हाथों नाल भेटा किया, जिवें आपां जाके भेटा करदे आ जथा शक्ति जिन्नी समर्था, बाबा जी ने अपना शीश भेटा किया उत्थे। वो नाम की एकाग्रता सी, वो भगती का प्रताप सी, वो सिमरन का प्रताप सी, वो जिहड़ा अंदर सांस विरास, क्योंकि सतगुरु महाराज जी कहिंदे आ गुरबाणी विच भावें बिन सास ते रख है, गुरबाणी कहती है दुनिया कहती है भी साह तो बिना श्वास तो बिना जिंद नहीं रह सकती जीवन नहीं रह सकता, पर गुरबाणी कहती है भी बिना श्वासा तो भी परमात्मा जिंदे रख लेंदा। बाबा दीप सिंह जी ने करके विखाया, वो सिमरन का बल सी भगती का प्रताप सी। ऐसे महापुरखों का आगमन दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना नाल तुसीं मना रहे हो। सात संग जी अगले महीनों में मैं तुम्हें याद करा दिया, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का 400 साल अवतार गुरपुरब 1 मई को आ रहा इस साल में। और श्री अमृतसर साहब जी की धरती इको एक ऐसी महान धरती है जिस धरती से मेरे सतगुरु सोभी सुल्तान सतगुरु धन श्री गुरु रामदास साहब जी ने श्री हरिमंदर साहब और अमृत सरोवर की रचना की, अमृतसर साहिब नगर वसाया। उस नगर दे विच श्री अमृतसर साहिब जी दे विच गुरु के महलों वाले स्थान ते इको एक दसां गुरु साहिबाना विचों 9वें पातशाह सतगुरु जी है जिन्हां सतगुरां का अवतार अमृतसर साहिब जी की धरती ते होया। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नावे धाए संस्थाई होए सहाय,
ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਇਆ 1,57,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਆਗਰੇ 21 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ 21 ਦਿਨ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਮੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਰੇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਵੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਵੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਵੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਵੇ ਸਹਾਰੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 9 ਮੁੰਦੀਆਂ 18 ਸਿੰਘੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੱਗ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਗ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲ ਫੁਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆ ਗਈ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਔਰ ਬਚਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ,
जिन्होंने सिखा ने घर में जन्म लेके केस कटाए हैं, थोड़ी थोड़ी मैनू महसूस होया कि मुंबई में भैड़ी वादी आने लग पे, नौजवान केस कतल कराने लग पे। मेरी खास बेनती है कि संत जदों आके नारा लाते होंगे सन, सिर जावे तो जावे मेरा सिखी सिख ना जावे, भाई इन्हों बचना अपने हिरदे का अंग बनाओ, हिस्सा बनाओ, केस भुलके भी नहीं कटाने, दाड़ा के साफ सूरत रखना, दस्तारा सजाणियां। इस करके कोई भी माई भाई रोमा की बदमी ना करे, जिन्होंने अमृत नहीं छकिया खंडे बाठे का अमृत छको, गुरु वाले बनो, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के लड़ ला के अपना जीवन सफल करो। मैं समाप्ति से श्री गुरु सिंह सभा सिंह जी बेलापुर की प्रबंधक कमेटी बैठी है, और इस तरह भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चंबोर के प्रधान साहब बैठे है, नौजवान सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू सुप्रीम सिंह कौंसल नवी मुंबई जथेबंदी के चेयरमैन साहिब भी हैं, वह भी संगत के हाजरियां भर रहे हैं। मैं सारे प्रबंधक वीर का और खास तौर पर भाई जसमीत सिंह जी का, जिन्हों का बहुत वड्डा योगदान इन समागम, इन्होंने सारे नौजवानों का वड्डा योगदान है, मैं उन्होंने भी बहुत बहुत दिल दराइयों धन्यवाद करना। माता भानी की सत्संग सभा जो मातावान की सेवा इस स्थान से भारी सेवा बीबिया कर रही, उस जथेबंदी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना। इतनी हाजिरी प्रवान करनी, भुला चुका खिमा करनी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।